इस्लामिस्ट रिबेल फोर्स को रोकने के लिए स्ट्रगल कर रही रिट्रीटिंग गवर्नमेंट फोर्सेस के बैक ऑफ करने के बाद तालिबान ने संडे यानी 15 अगस्त को अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल पर धावा बोला। तभी से लेकर आज तक इस मुद्दे ने न सिर्फ काबुल को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हर जगह सोशल मीडिया पर, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह तालिबान के अफगानिस्तान पर टेक ओवर करने की बात हो रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब काबुल यानी कि अफगानिस्तान के कैपिटल पे टेक ओवर करने के बाद अफगानिस्तान का नक्शा कैसा होगा। आखिर ऐसा क्या बदल गया है तालिबान के टेक ओवर करने के बाद, क्यों इंटरनेशनल लेवल पर अफगानिस्तान एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी बारे में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैक्ट टू फैक्ट, जिसे अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप तक पहुंचती रहूं ऐसे ही फैक्टफुल अपडेट्स के साथ। याद रखिएगा, आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट सम की फैक्ट्स अबाउट तालिबान्स हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी दैट विल गिव यू अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट द सिचुएशन वाज लाइक एंड हाउ इज द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी। तो सबसे पहले बात करते हैं तालिबान के इतिहास के बारे में। तालिबान, जिसका मतलब पश्तो भाषा में स्टूडेंट है, 1994 में दक्षिणी अफगान शहर कंधार के आसपास उभरा था। यह सोवियत संघ की वापसी और बाद में गवर्नमेंट के पतन के बाद देश को कंट्रोल के लिए गृह युद्ध लड़ने वाले गुटों में से एक था। इसने मूल रूप से तथाकथित मुजाहिदीन सेनानियों के सदस्यों को अट्रैक्ट किया, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से 1980 के दशक में सोवियत सेना को खदेड़ दिया था। कहा जाता है 2 साल के भीतर ही तालिबान ने ज्यादातर हिस्सों में अपना कब्जा हासिल कर लिया था। सन 1996 में इस्लामी कानून की कठोर व्याख्या के साथ एक इस्लामी अमीरात को घोषित भी कर दिया गया था। बाकी मुजाहिदीन ग्रुप्स ने देश के नॉर्थ से पीछे हटने का फैसला ले लिया था। संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलकायदा द्वारा 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद नॉर्थ में अमेरिकी समर्थित सेनाएं भारी अमेरिकी हवाई हमलों की आड़ में नवंबर में काबुल में घुस गई थी। तालिबान दूर दूर के इलाकों में अपने आप को समेट चुका था, जहां उसने अफगान सरकार और उसके पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ 20 साल लंबे विद्रोह की शुरुआत की। तालिबान के फाउंडर और ओरिजिनल लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर थे, जो तालिबान के तख्तापलट के बाद काफी छुपे छुपे नजर आए। उनका ठिकाना इतना गुप्त था कि साल 2013 में उनकी मृत्यु की पुष्टि खुद उनके बेटे ने 2 साल बाद ही की थी। ये तो था तालिबान का इतिहास, लेकिन अब बात करते हैं उसकी आइडियोलॉजी के बारे में। दरअसल जब तालिबान 5 सालों के लिए सत्ता में था, तालिबान ने शरिया कानून का इतना स्ट्रिक्ट वर्जन लागू किया था कि महिलाओं को मुख्य रूप से काम करने या पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं थी, और जब तक उनके साथ कोई घर का एक मेल मेंबर नहीं हुआ करता था तो वो अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल सकती थी। सार्वजनिक फांसी और कोड़े लगना आम बात हो गई थी। पश्चिमी फिल्मों और किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इस्लाम के तहत ईर्ष्य निंदा के रूप में देखी जाने वाली जो सांस्कृतिक कलाकृतियाँ थी उनको भी नष्ट कर दिया गया था। विरोधियों और पश्चिमी देशों ने तालिबान पर आरोप लगाया कि वो उन क्षेत्रों में शासन की शैली में वापस लौटना चाहते हैं, एक ऐसा दावा जो कि ग्रुप्स इनकार करते हैं। तालिबान ने ये भी कहा कि इस साल की शुरुआत में वो अफगानिस्तान के लिए एक वास्तविक इस्लामी प्रणाली चाहता था, जो सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक नियमों के अनुरूप महिलाओं और अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रावधान करेगा। हालांकि न्यूज में कुछ ऐसी खबरें ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी हैं कि विमेंस को अफगानिस्तान में अभी से ही तालिबान के टेक ओवर के बाद काम करने से मना कर दिया गया है। उनमें से एक खबर एक ऐसी न्यूज एंकर की थी जो कि काफी जानी मानी थी, और उन्होंने बताया कि उन्हें स्टूडियो में लाइव जाने से रोक दिया गया था। अब बात करते हैं तालिबान के इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के बारे में। पड़ोसी देश पाकिस्तान सहित केवल 4 देशों ने सत्ता में रहते हुए तालिबान सरकार को मान्यताएं दी थी। संयुक्त राष्ट्र के साथ अन्य देशों के विशाल बहुमत ने इसके बजाय काबुल के उत्तर के प्रांतों को रखने वाले ग्रुप्स को सही सरकार इन वेटिंग के रूप में मान्यता दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान पर प्रतिबंध लगाए हैं, और अधिकांश देश बहुत कम संकेत दिखाते हैं कि ये ग्रुप्स को राजनयिक रूप से मान्यता दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस महीने की शुरुआत में ये कहा था कि अगर तालिबान सत्ता में आता है और इसी तरह अत्याचार करता है तो अफगानिस्तान एक परिया राज्य बनने का जोखिम उठाएगा। वहीं चीन जैसे देशों की बात की जाए तो उसने तो सावधानी से इन संकेतों को देना भी शुरू कर दिया है कि वो तालिबान को एक लेजिटिमेट रिजाइम के तौर पर ही रिकॉग्नाइज करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आज हमें ये जानने को मिला कि किस तरीके से तालिबान का इतिहास रहा, किस आइडियोलॉजी पे वो हमेशा से काम करता आया है, और आने वाला अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। क्या महिलाओं को उनका हक मिलेगा? क्या उन्हें बराबर के अधिकार दिए जाएंगे?
क्या वो वाकई घरों से बाहर निकलकर काम कर सकेंगी, पढ़ाई कर सकेंगी? लोग भले ही अमेरिका में रह रहे हों, कनाडा में रह रहे हों, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, लेकिन सबके मन में सवाल यही है, क्या अफगानिस्तान की महिलाओं को उनके राइट्स दिए जाएंगे? क्या तालिबान के कंट्रोल के अंडर महिलाएं खुल के सांस ले पाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, समाज में ऐसे ही होने वाली छोटी छोटी बातों के पीछे कुछ न कुछ राज जरूर छुपा हुआ होता है, और उन्हीं राज की बातों को यानी कि उन्हीं फैक्ट्स को लेकर लवलीना आपके बीच में जरूर आती रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा इस चैनल यानी कि फैक्ट टू फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्टफुल वीडियोस आपके बीच में लेकर आने की। तो फटाफट से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उनके भी ज्ञान को बढ़ाइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून।